जय साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है जीवन कौशल। या आपकी परीक्षा की बात करें, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो यहाँ से आपके सिलेबस में, यहाँ से आपके पाठ्यक्रम में कुल 10 अंकों के प्रश्न आते हैं, मानी 10 नंबर के सवाल आते हैं। और हम अपनी तैयारी कितनी बेहतर करेंगे कि आपके 10 में 10ों प्रश्न सही हो जाए। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जीवन कौशल आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और प्राय आप देखते होंगे जीवन कौशल को लोग MCQ में करा देते, थियरी प्राय लोग नहीं पढ़ाते। तो हम ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के माध्यम से निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध होगी। चलिए बिना समय गवाए हम लोग पढ़ते हैं जीवन कौशल, अब 10 में 10 नंबर की पक्की तैयारी। अगर हम बात करें तो आधुनिक जीवन में मनुष्य की बात करें तो एक प्रकार की रेस में शामिल हो गया है, जहां उसे जीवन की चुनौती, मतलब उसकी समस्या, उसकी डिमांड, उसकी आवश्यकताएं आदि से निपटना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, तो इसको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उसे इसके लिए एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है। और वास्तव में यही क्या है, आपका जीवन कौशल है। और वास्तव में क्या है, यही आपका जीवन कौशल है। ठीक है, यही क्या है, आपका जीवन कौशल है, जो यहां पर जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो जीवन कौशल स्कूल शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करती है। अगर शिक्षा के स्तर पर हम देखते हैं तो जो जीवन कौशल है वो स्कूली शिक्षा जो है आपकी, उस स्कूली शिक्षा में मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करती है और बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करती है। जो बच्चे हैं उन्हें उनके जीवन, माने आदर्शपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार करती है। तो यह वीडियो आप सभी जल्दी जल्दी अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन सभी तक ये चीजें पहुंच जाए। आगे हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अर्थात WHO के अनुसार। ठीक, इसके अनुसार WHO के अनुसार यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनकी आवश्यकता से एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने जीवन की चुनौती और मांगों का सामना करता। ये ऐसी ऑथेंटिक डिफिनेशन होता है कि ये परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाएंगे और आपको ऐसे हूबहू जवाब भी देना होगा। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की। तो अगर यूनिसेफ की हम बात करें तो जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के तीनों क्षेत्रों, ज्ञान, अभिवृद्धि और कौशलों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा आपके साथ कि जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के तीनों क्षेत्रों, ज्ञान, अभिवृद्धि और कौशल के मध्य क्या करता है, संतुलन स्थापित करने का काम करता है। अब हम इसके और आगे पढ़ते हैं क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें हो उन्हें एक एक करके हम पढ़ लें। जैसे जीवन कौशल प्रबंधन की विशेषता, अगर आप लोगों ने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स लिया होगा तो ये नोट्स आपके पास होंगे। अगर नहीं लिया है तो आप लोग आज ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दुर्गेश सर सर्च करके। जब आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, जहाँ पे सभी फ्री क्लास, नोट्स, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो व्यक्ति को जीवन की समस्याएं, जैसे यहाँ पे है कि जीवन कौशल के प्रबंधन की विशेषता क्या क्या है, आइए हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं कि जीवन कौशल प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता है कि व्यक्ति, यहाँ पे पहली विशेषता है कि व्यक्ति को जीवन की समस्याएं सुलझाने में उसका उचित प्रबंधन करने हेतु, मानो जो जीवन कौशल है यह क्या करता है, किसी भी मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल करने में उनका उचित प्रबंधन करता है। इसलिए यह आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में रखा गया है। आगे है आत्म जागरूकता को विकसित करना, जिसे समस्या को समझने में समर्थ हो, माने जो जीवन कौशल की प्रबंधन की जो विशेषता है यह भी विशेषता है कि आत्म जागरूकता को विकसित करना जिससे समस्या को समझने में समर्थ मतलब सहायता मिले, एक यूं हम कह सकते हैं। व्यक्ति की रचनात्मक सोच को विकसित करना जिससे कार्य करने के नए मार्ग मिले, माने यहां पर एक बात और यह भी है कि व्यक्ति की रचनात्मक सोच को विकसित करना जिससे कार्य करने के नए मार्ग प्रशस्त हो, नए मार्ग भी दिखाई दे। आगे हम बात करते हैं कि जीवन कौशल प्रभावी संप्रेषण के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आहत के बगैर अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। जैसे अगर आप प्राइमरी के मास्टर या मास्टराइन है तो जब बच्चों को पढ़ा हुआ है, मतलब लड़का ने जब पढ़ा हुआ है या लड़का से बैठ के संगे पढ़ा तो ये
तो लोग के मन में बच्चा है कि जो हम पढ़ावा मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा भी पढ़ रहा है और वो अपनी बात भी आप तक रख रहा है और आप उस तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है बैठ तोरे नया बता गधा भाई, होता है ना कुछ मास्टर कहते हैं तोरे नया है तुम गधे हो तुम नहीं पढ़ पाओगे बैठो, ऐसा ना हो। मैंने व्यक्ति को आहत मत करिए बेटा बहुत अच्छा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, अरे ऐसे नहीं लिखा कर, ऐसे लिखा करो। अब देखो जैसे मैं बना दे रहा हूं इसे कभी कोई बच्चा कोई गलत लिख दे कोई अक्षर कोई शब्द तो उसको डांटिए मत कि देखिए ये वाला नहीं अब ऐसे लिखना ये वाला इससे ज्यादा सही है, तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो हम क्या करते हैं जीवन कौशल ये कहता है कि प्रभावी संप्रेषण के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आहत किए बगैर अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। अब हम और आगे अगर हम बात करें इसकी तो जीवन कौशल एक औपचारिक शिक्षा है, एक क्या है औपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय से बाहर सिखाया जाता है। ये मेयर्स का कथन है, ये बहुत ही यूनिक कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए इसे रट लीजिएगा और नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है हम आगे चलते हैं, यह क्लास आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अब हम जीवन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जीवन कौशल की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों है। आइए एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर हम आपका प्रकाश डालते हैं। आज बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा देने की आवश्यकता क्यों है, मतलब आपके भी मन में सवाल आएगा आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा देना जरूरी है आवश्यक है, क्योंकि जीवन कौशल द्वारा हम किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करना सीखते हैं। माने कोई भी कार्य हो चाहे शिक्षा हो चाहे कोई काम ही क्यों ना हो हम जीवन कौशल के द्वारा किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करना सीखते हैं। और ये कहाँ से, जैसे कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे आपको पाठ योजना तैयार करनी है, विषय वस्तु को कैसे तैयार करना है, कैसे हम बच्चों के गार्जियन से कैसे मिलेंगे, माने ये सभी चीजें अगर हम बात करें तो जीवन कौशल की वजह से हो पाता है और इसलिए हमारे जीवन में जीवन कौशल की आवश्यकता होती है और इसलिए इसका महत्व भी है। आगे बात करते हैं कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक छोटा सा हेडिंग आपके सामने है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दैनिक जीवन में चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार अपनी योग्यता को विकसित करना, माने दैनिक जीवन में चुनौती एवं मांगों के अनुसार अपनी योग्यता को विकसित करना। ध्यान रहे लगातार जैसे पहले सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको केवल BTC करना होता था तब शिक्षक बन जाते थे, बाद में BEd वाले भी शिक्षक बनने लगे, फिर बाद में वो टेट परीक्षा जो पास होगा वही सरकारी शिक्षक बनेगा, या टेट में जिसके ज्यादा अंक आएंगे बाद में जो टेट पास हो जिसके गुणांक ज्यादा हो, फिर अब पता चला कि केवल टेट पास करना है आपको, शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक बेहतर और बड़ा स्कोर करना है उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो हमने ये देखा कि जीवन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है कि जीवन में चुनौतियों मांगों के अनुसार अपने योग्यता को विकसित करना। तब हम आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते थे कि आप BTC कर लेते थे नौकरी लग जाती थी, लेकिन आज आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा की जरूरत पड़ रही है, आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स की जरूरत पड़ रही है, आप सभी को ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स की जरूरत पड़ रही है, ऑनलाइन क्लास की जरूरत पड़ रही है। ठीक है इसलिए ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जो अपनी योग्यता के अनुसार विकसित कैसे करना है और यह जीवन कौशल की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो हम परीक्षा में बेहतर स्कोर करेंगे, जैसे आपके गुणांक कम है तो ज्यादा गुणांक के लिए आप तो एकेडमिक फिर से पढ़ नहीं सकते, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन करके आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है यहां से किसी के मन में कोई सवाल कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे हम लोगों ने देखा, देखिए क्योंकि यह सभी नोट्स आप सभी के लिए काफी यूनिक और महत्वपूर्ण है। अब आते हैं देखेंगे WHO के अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल, WHO के अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल। आइए देखते हैं 10 प्रमुख जीवन कौशल क्या है। WHO अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए तो 10 जीवन कौशल दिए हैं जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और आप भी पढ़ते चलिएगा, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हमार। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों इस देश के निर्माताओं यार एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिएगा। पहला इसमें है कि आत्म जागृति। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन कौशल 10 प्रमुख भागों में बांटा है, उन्हें 10 प्रकार में विभाजित किया है। आइए उन प्रकारों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है आत्म जागृति,
तो आत्म जागृति क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, अपने कर्तव्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, आशितों आदि के प्रति बिना किसी के बताए स्वतः जागरूक होना ही आत्म जागृति है। माने जैसे आपको सरकारी शिक्षक बनना है, अब इसके लिए नहीं है कि आप सुपर टेट पढ़िए, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इन लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए ताकि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाए, करंट अभी से मत पढ़िए, परीक्षा जब एकदम नजदीक हो तब करंट पढ़ना। माने ये सारी चीजें हमें हमेशा बताना पड़े, ये आपका कर्तव्य है, आपकी भूमिका है, आपकी जिम्मेदारी है, अपने आपको मेहनत के दम पर साबित करना है। तो यह आत्म जागृति है कि शिक्षक बनने के लिए, सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, यही आपका आत्म जागृति है। आगे हम देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रभावी संवाद। प्रभावी संवाद क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। इसके लिए सही व्यक्ति, सही समय, सही माध्यम, सही संदेश, सही तरीके से सबसे अधिक जरूरी है। माने प्रभावी संवाद का मतलब यही है कि जैसे अगर हम कह दें कि प्रभावी प्रश्नोत्तर, प्रश्न का उत्तर देने का मतलब सही समय में सही प्रश्न का सही उत्तर देना ही क्या होगा, प्रभावी सवाल का जवाब देना होगा। उसी प्रकार प्रभावी संवाद होता है, माने हम अपनी बातें दूसरों तक और दूसरी की बातें अपने तक जो संप्रेषण होता है उसके साथ हम अपनी बातें उन तक रखते हैं जब, तो उसमें व्यक्ति सही होना चाहिए, सही समय होना चाहिए और सही माध्यम होना चाहिए। जैसे अगर बच्चों को पढ़ा रहे, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उस टीचिंग स्टाइल को चेंज करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो यहां पर प्रभावी संवाद यह कहता है कि सही संदेश सही तरीके से सबसे अधिक जरूरी है। तो यह था जीवन कौशल का दूसरा हिस्सा। अब हम पढ़ते हैं समस्या समाधान, यह तीसरा। यहां पर देखिए परीक्षा में यही पूछा जाता है, कभी कभी इसको क्रम से करने के लिए पूछता है, समस्या समाधान की प्रक्रिया को समझना। पहले ए, कभी कभी देता है आपके सवाल, कहेगा निम्नलिखित कूटों को क्रम से करिए। तो जब समस्या समाधान होगा तो समस्या समाधान की प्रक्रिया को पहले समझना, तो समस्या की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। फिर बी, समस्या समाधान के लिए मौजूद विकल्पों का विश्लेषण करना। फिर यहां पे सी, आंकड़ों को इकट्ठा करना। फिर यहां पे डी है आपके सामने, किसी एक विकल्प का चयन करना। फिर आपके सामने ई है, क्रियान्वयन। फिर आपके पास एफ है, निष्कर्ष। तो यहां पर छह प्रकार से क्रम में आपको सजाना होता है। प्राय जब क्रम में सजाने की बात आती है तो हम आरोही क्रम में सजाते हैं। किस क्रम में, हम आरोही क्रम में सजाते हैं, माने छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो यही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, जितने तो लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं या इस वीडियो को आप बाद में देख पा रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर देख रहे हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि निर्णय क्षमता, आइए देखते हैं निर्णय क्षमता क्या है। निर्णय क्षमता में इस क्षमता से आप जानेंगे कि आपका निर्णय लोगों को प्रभावित करेगा या नहीं। जैसे आपने ये सोच लिया कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी इन लर्निंग विद दुर्गेश के क्लास, इन लर्निंग विद दुर्गेश से नोट से कर रहे हैं, अब आपने निर्णय ले लिया, अब जब आप सेलेक्ट होकर आएंगे या नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे तो यह प्रभावित किसके करेगा, निर्णय लोगों को प्रभावित करेगा। और इसके परिणाम क्या होंगे, अब आपने अगर निर्णय सही लिया है तो इसका परिणाम सकारात्मक होगा और लोग कहेंगे वाह क्या बात है, हम भी जानते थे कि 69,000 में हजारों अध्यापक ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़कर हुए, उनकी क्लास से हुए, तो हम भी हो गए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता चयन नहीं हुआ तब फिर लोग कहेंगे यार हम मना कर रहे थे ना कि खाली नोट्स पढ़ लो, सर के क्लास नहीं पढ़ा है, क्लास ही पढ़ लेना चाहिए था, आपका चयन नहीं हुआ। तो मतलब यहां पर यह है कि आपका जो निर्णय है, इस क्षमता से आप ये जान पाते हैं कि आपका निर्णय लोगों को प्रभावित करेगा या नहीं और इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होंगे, आप जरूर कल के सरकारी शिक्षक या शिक्षिका जरूर बनेंगे। अगला है आपके सृजनशील सोच, अगला है हेडिंग सृजनशील सोच, माने लीक से हटकर सोचना तथा नए तरीकों का प्रयोग करना सृजनात्मकता कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि सृजनशील सोच, माने अब हमें कहूं कि पीएमपी जो पेपर करा रहा है, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा रही हो या पिछला शिक्षक भर्ती परीक्षा रहा हो, उनमें लगातार पैटर्न में बदलाव हो रहा है, सिलेबस के बाहर परीक्षा के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हमें अपने सोच को लोगों से हटकर सोचना है, हमें यह सोचना है हम क्या ऐसा बेहतर करें कि हम सरकारी शिक्षक बन जाए, हमें कौन कौन से कंटेंट बहुत ही जरूरी है पढ़ना, कौन कौन से कंटेंट को नहीं पढ़ना है, इस चीज को आपको और हम सभी को अच्छी तरीके से समझना होगा। यही है लीक से हटकर कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना। आप कच्चा कच्च के अंदर हैं, अब आप ये सोचिए कि बच्चों को जोड़ के उदाहरण पढ़ाना है तो कौन सी ऐसी पद्धति अपनाएं जिससे बच्चे नए तरीके से सीख सके। यह हो गया सृजनशील सोच। आगे चलते हैं सहानुभूति, हम यहां पे बात करते हैं सहानुभूति की।
स्वयं को दूसरों की जगह रखकर सोचना, माने ये दूसरों की जगह रखिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वहाँ ऑनलाइन का फी है, सारी आपकी तरह उनका भी फ्री हो जाना चाहिए। तो उनको ये सोचिए उनके परिवार है, उनके बच्चे, उतना बड़ा स्टूडियो है, उतना उनका खर्च होता, कहाँ से मान करेंगे। मान लीजिए मेरे पास जो समय है मैं आप लोग के लिए दे लेता हूँ, लेकिन उनके लिए क्या होगा। तो कभी कभी आप अपनी जगह, दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरों की परेशानियां कैसे होती हैं और आप उनकी परेशानियों में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं और उनके प्रति आपकी क्या सहानुभूति है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीवन कौशल में ये एक छठा नंबर में था, सहानुभूति। आगे देखते हैं अंतर व्यक्तिक संबंध। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंतर व्यक्तिक संबंध, आप लोग को शायद साफ दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप लोग टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है टेलीग्राम दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, और यहाँ पर सभी क्लास नोट्स फ्री मिल जाएंगे। और देखिए 50 प्रैक्टिस सेट आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा की है जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध होगा, क्रमवार रूप से आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अंतर व्यक्तिक संबंध माने सबको समान भाव से देखना। जैसे आपकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, गरीब होंगे, कोई बच्चे गरीबी से भी नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे और कुछ दिव्यांग बच्चे भी होंगे, माने सबको समान भाव से देखना। इस क्षमता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। मतलब धर्म, जात, मजहब आदि प्रकार के आपकी कक्षा में बच्चे होंगे, उन सभी बच्चों को एक नज़र से देखना कि वह आपके शिक्षार्थी हैं, वे आपके छात्र हैं, वे आपके वे बालक हैं जो कल के इस भारत का निर्माण करेंगे। तो अंतर वैतिक संबंध में हमें देखना है कि सबको समान भाव से देखना और इस क्षमता से लोगों के साथ हमेशा सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद भी मिलती है। अब हम बात करते हैं आलोचनात्मक सोच की। किसी भी पात्र के गुण या दोष दोनों पर विचार करना चाहिए। जैसे अब आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट, जैसे आपने कहा कि सर 10 नंबर की तैयारी यहां से पक्की हो जाएगी और तैयारी कहां से करें, तो आप ये सोचिए कि ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स लिए या किसी और के लिए, तो फिर उसमें कंपेयर करिए और ये देखिए, लोगों से पूछिए कि सबसे बेस्ट नोट्स किसके हैं, किसके कंटेंट सबसे सॉलिड है, किसके कंटेंट ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। फिर सोचिए यार 21 विषय है, कैसे आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जीवन कौशल पढ़ाता ही नहीं, कोई शिक्षण कौशल पढ़ाता ही नहीं, विविध के नाम पे लोग केवल करंट पढ़ाते हैं, उसमें जो अन्य विविध के तथ्य हैं कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो हमें सिलेक्शन लेना है और यहाँ से कम 50-60 नंबर आपका होगा। तो फिर आपके मन में विचार आता है हाँ यार हो सकता है हमें ऐसे जगह का चुनाव करना होगा जहां से हम सेलेक्ट होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो आपके अंदर ये आलोचनात्मक सोच भी होना चाहिए, लेकिन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अगली छोटी सी हेडिंग है संवेगों का प्रबंधन। अगली छोटी सी हेडिंग है क्या, संवेगों का प्रबंधन माने अपनी और दूसरों की संवेदनाओं को समझना तथा निर्णय लेते समय वास्तविकवादी रहे, भावुक ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी दूसरों की संवेदनाओं को भी समझना चाहिए। जैसे पूरे दिन में 10 से 15 कॉल आता है, लोग कहते हैं सर हम गरीब हैं, हमने आपका क्लास कैसे मिल पाएगा, आपकी किताब कैसे मिल पाएंगे, मुझे किताबें खरीदनी हैं। तो अब ये उनके पास कहते हैं मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है। अब बताइए आपके पास 4G मोबाइल है, मोबाइल आपके पास 4G है और आप 4G सिम यूज करते हैं, 700-800 रुपए का रिचार्ज कराते हैं और आपको 200 रुपए के 100 रुपए की किताब खरीदने के पैसे नहीं है। मतलब अब यहाँ पे हमें दूसरों की संवेदनाओं को समझना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए, वहां पे वास्तविकवादी होना चाहिए। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास 100 रुपए किताब के पैसे नहीं है, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, फोन अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, लेकिन अच्छी किताब लेने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर भावुक न हो बल्कि वास्तविकवादी होना चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ भी हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो यहाँ पर संवेगों का प्रबंधन यही करता है कि अपनी दूसरों की संवेदनाओं को समझना। क्या क्या सभी गरीब हो गए, जितने कॉल आता है क्या सभी गरीब हैं, क्या ऐसा नहीं है गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें आपके मन में आएगा। जैसे अपनी जब कक्षा कक्षे में बैठते हैं, जब कभी गर्मी में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों को धूप बहुत लगती है, कब ठंडी पढ़ाते हैं, उनके पास ठंडे कपड़े नहीं होते, अब उसे जानने का प्रयास करिए तो पता चलता है उनके पापा दारू ज़्यादा पी जाते हैं, पैसे बच्चों तक नहीं पहुँच पाते। पहले वास्तविकतावादी होइए, फिर ऐसा नहीं कि हर बात पे आप भावुक हो जाए। अगर भावुक हो जाएंगे तो आज के समय में लोग आपको खड़े खड़े बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने में बिक गए। खैर आगे चलते हैं, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की जरूरत पर साथ देना चाहिए, ठीक है, जिनको उसकी वास्तविक जरूरत हो। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले टॉपिक की तरफ, ये इसका अंतिम टॉपिक है। यहां पर क्या है कि तनाव
प्रबंधन। तनाव प्रबंधन में क्या है, माने तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप अनेक तरीके जो है अपना सकते हैं। जैसे योगा करिए, संगीत सुनिए, मनोरंजन करिए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, ट्विटर चलाइए, या ई लर्निंग पे दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई बेहतर करिए। माने तनाव प्रबंधन ये जीवन कौशल का अगर देखा जाए तो एक अहम और अंतिम बिंदु है जो WHO के अनुसार है। इसमें क्या है, तनाव से छुटकारा पाने के लिए, जैसे आपको कभी कभी लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो तनाव जैसा होने लगता है। इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप ई लर्निंग पे दुर्गेश का मोटिवेशनल लेक्चर देख लें, आप सौरभ सर के प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ पे उनके फोटो देख लीजिए और उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन्होंने थॉट्स अच्छे अच्छे उनके लिखते हैं। और आप जो अपने बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिनके थॉट्स आपको पसंद होंगे, बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी जो आपको पसंद होंगी, माने वो करिए जिससे आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो कुछ बड़ा और बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह चीज़ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी साथी पहला काम ये करें, टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाएंगे और ये सभी क्लासेज आप सभी के जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से लाइव चल रही हैं। मेरे द्वारा ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि अभी की बात हर हाल में एक सीट हमार, ये 10 नंबर की पक्की तैयारी आपकी है। मैंने अगर इस तथ्य को पूरा आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके 10 में 10 पक्के होंगे। लेकिन ऐसा एक वीडियो में, एक दिन में नहीं होगा। लगातार आप टाइम से जुड़े रहिएगा, वीडियो का टाइम शेड्यूल अपने पास रखिएगा और फिर पढ़ते रहिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी नीचे स्क्रॉल में आपको जानकारी मिल जाएगी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।